पंडाल के पास आ चुके हैं। किस तरह का क्राउड है कल, यही पंडाल के सामने भाई कुछ भी भीड़ नहीं था, अभी देख सकते हो किस तरह का क्राउड है पीछे। दोस्तों देख सकते हो किस तरह का क्राउड है सागर भाई के, और तो दोस्तों देख सकते हो आपके साथ हम लोग। क्या बोलना है भैया, टाकर भैया आज का भीड़ कैसा रहा? हमको लगता है ये ऐतिहासिक है, और ऐसा शायद पहले मुझे याद नहीं है, या फिर बलियापुर के लोगों से पूछे अगर इस तरह का कभी जमावड़ा हुआ होगा तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन आज ऐतिहासिक है। पंडाल छोटा आराम से पंडाल छोटा पड़ चुका है, छोटा पड़ चुका है। दोस्तों देख सकते हो किस तरह का क्राउड है सागर भाई के, और इतना ज्यादा मतलब बिजी है कि पूछो मत। इतना मतलब सही से बाइट इसलिए नहीं है क्योंकि लोग सबको सेल्फी लेने के लिए है, अब इस बीच में बाइट देना तो सही रहेगा नहीं। और अभी भी भीड़ देख सकते हो किस तरह का, अभी भी लोग कैमरा ही उसके पीछे तो फर रहे हैं, और कहीं ना कहीं मजा आ गया, थोड़ा सा भी आया ब्लॉग में, वो काफ़ी अच्छा लगा। खैर अच्छा रहा जो भी रहा आज का, और ये आप लोग संख्या है कितना ज़्यादा की संख्या में लोग यहाँ पर। और चलिए भाषण अभी क्या देते हैं टाइगर जी, मैं देखते अच्छा लगा उनको, नजर में भी हम आ गए कि भाई पहुंचे हुए हैं। तो गाइस फाइनली अभी हम लोग निकलने वाले थे, तो इधर जयराम भाई जा रहे हैं थोड़ा सा। हेलो उम्मीद से मैंने ऐतिहासिक ज्यादा क्या कहेंगे आप, बाकी लोगों से जो जनता यहाँ की उनसे पूछिए हम लोग बड़ा। हमने पहले भी आया था इसके एक दिन पहले, उसी से लग गया था अनुमान, क्योंकि काफी लोग चूंकि देखिए दुखी लोग शोषित लोग हैं, उनको जैसा भी हम लोग हिम्मत देने काम किया, मानते हैं हम लोग कोई मसीहा नहीं है, नायक नहीं है, लेकिन आज की डेट में उतना हिम्मत नहीं है कोई राजनीतिक नेताओं से टकरा, कोई कंपनियों के खिलाफ बात करे, टाटा वेदांता के खिलाफ बात करना आज विधायक और सांसद की बस की बात नहीं, उनके औकात से बाहर है। तो इसी परिस्थिति में हम लोग एक छात्र होकर मुखर कर बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि किधर किधर भी जा रहे हैं पब्लिक है, भीड़ आपको देखने को मिल रहा है। अब क्या करें, प्रेम है, और काफी कम लोग ऐसे मिलते हैं जो लोगों की दिल के साथ सेंटीमेंट बना पाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये है इस चीज को मानते हैं। आज मैंने तो अभी एक 3-4 महीना से इसके ऊपर आपके इस मतलब भाषा को लेकर कोई वीडियो ही नहीं डाला था, बट आज मुझे फील हुआ कि रियलिटी में मतलब झारखंड के लोग काफी लोग मतलब परेशान है इस बात से। परेशान होंगे क्यों नहीं, झारखंड में सबको थोपना चाहता है, विधायक थोपना चाहता है, सांसद थोपना चाहता है, भाषा थोपना चाहता है, अपना पर्व त्योहार थोपना चाहता है, तो झारखंड के लोग कहाँ जाएंगे भाई, हमारा राज्य है, इस राज्य की हम मूल खूंटी है, मैंने खेत को काट के बनाए हैं, भाषा का सृजन किए हैं, तो इसीलिए आज स्वाभाविक है। तो अब ये प्रोग्राम के बाद इस महाधिवेशन तो आपका ये सफल ही रहा, इसके बाद आप क्या करने वाले हैं? देखिए इसके बाद अब हम लोग एक सोचे हैं कि कुछ आंदोलन को अलग तैयार करेंगे, और निश्चय ही हम लोग जल्द ही इसको घोषणा करेंगे और मीडिया के सामने। चलिए थैंक यू। सो गाइज देख सकते हो आज का जो भी प्रोग्राम काफी अच्छा रहा, हम लोग का सफल हो गया, और काफी लोग आए हुए थे जैसे अभी, मतलब इनके पास आना मतलब क्या है कि अभी इतने सारे मतलब है जो कि यहाँ का प्रेस रिपोर्टर और जो भी सोशल मीडिया से है, सबको इनको आके मतलब इतना ज़्यादा मतलब बाइट ही दे ही नहीं पाएंगे। मैं किसी तरह इनके थोड़ा सा ये करीब आ गया तो मैंने अभी सारा चीज़ उन्होंने बता दिया है। हाँ भाई, सो चलिए काफ़ी अच्छा लगा सभी से मिलकर, और अभी भाई वहाँ उधर गए हैं थोड़ा देर के लिए, तो उसके बावजूद भी जो भी जान पा रहे हैं तो देख रहे हैं कि टाइगर भाई इधर आ रहे हैं, तो भाई खेत हो चाहे जंगल हो कहीं भी पहुँच जाते हैं लोग, खाली एक बार पता चलता है कि वो साइड में आए, तो काफ़ी अच्छा लगा टाइगर भाई से मिल के। अब चलते हैं, हमको भी चलना है, चलो। और काफ़ी लोग इधर बैठे हुए भी थे तो मज़ा आया मिलके, तो हो गया चलिए चलो। सो गाइस आज का प्रोग्राम जो भी था महाधिवेशन ये ऐतिहासिक रहा, जैसे कि पहले वीडियो में बताया था कि पीएम मोदी का एक बार यहाँ पर हुआ था प्रोग्राम, उसके बाद ऐसा वीडियो ना। और कुछ भाई लोग कुछ बोलना चाहेंगे, कैसा रहा आज का? मस्त ना, फुल सपोर्ट कर रहे हैं ना, भीड़ देखने को मिला है, भीड़ ना, भीड़ से क्या हो रहा अंदर में, क्या फीलिंग जगह आप लोग को? मतलब झारखंड में कुछ बदलाव होने वाला है, साफ जाहिर हो जा रहा है इस भीड़ को देखते हुए, जितना भीड़ देख रहे हैं उधर,
कुछ अलग होने वाला है क्या भाई? हाँ भाई, तो कुछ करना है बोलो। बस अब चलते हैं, वीडियो को यहाँ पे लास्ट करते हैं और फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। जो जो नहीं आए तो कमेंट्स करके बताना और अपना जो भी राय हो इसके बारे में बताना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो कि झारखंड से भी, ओडियन से, बिहार से भी है, छत्तीसगढ़ से, मैंने सारे जगह से देते, तो अपना अपना राय जरूर देना कमेंट्स करके। बहुत सारे ये भी बोलेंगे कि भाई आप वीडियो थोड़ा सा अलग लेवल में बना रहे हो, लेकिन मैं एक्चुअली मैं झारखंडी हूँ, झारखंडी मैं बोलता भी हूँ, तुम्हें झारखंडी, तो आज मुझे प्रूव हुआ कि मैं रियलिटी में झारखंडी हूँ, अगर मैं यहाँ आके सभी के साथ में अपने झारखंडी भाई के लोग के साथ में हूँ तो। क्या भाई, तो चलिए बाय बाय सभी को, काफ़ी अच्छा लगा आज का प्रोग्राम।